दुनिया में 7 अजूबे हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। ऐसा ही कुछ दिल्ली के प्रगति मैदान में बना है। दिल्ली के प्रगति मैदान में बना कॉन्फ्रेंस हॉल दुनिया के टॉप 10 कॉन्फ्रेंस हॉल में शामिल किया गया है। इसमें G20 बैठक का आयोजन किया जाएगा। 26 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। ये जर्मनी में हनोवर प्रदर्शनी केंद्र और संघाई में राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कॉन्फ्रेंस सेंटर को टक्कर देगा। अभी तक दिल्ली के सभी बड़े कॉन्फ्रेंस विज्ञान भवन में होते थे। G20 बैठक में देश विदेश के बड़े नेता शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस हॉल उनके स्वागत के लिए बनकर तैयार हो चुका है। ITPO कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन पीएम मोदी 26 जुलाई को करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इंटीग्रेटेड एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर को 123 एकड़ के प्रगति मैदान परिसर में लगभग 2700 करोड़ रुपए लगे हैं। इसकी खासियत की बातें करें तो ये हॉल 123 एकड़ में फैला हुआ है। एक हॉल में 7000 लोग बैठ सकते हैं। हॉल की दीवारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जा सकता है। इसके मेगा कन्वेंशन सेंटर में 4 फ्लोर, 24 मीटिंग रूम, 2 ऑडिटोरियम समेत 2 हॉल। इसका नाम इंटीग्रेटेड एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर रखा गया है। कॉन्फ्रेंस हॉल का अंडा आकार संख से प्रेरित है। कन्वेंशन सेंटर को प्रगति मैदान परिसर के केंद्र बिंदु के रूप में विकसित किया गया है। इसे बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों, सम्मेलनों और अन्य प्रतिष्ठित कार्यक्रमों की मेजबानी करने के लिए डिजाइन किया गया है। फिलहाल ये भी G20 के माध्यम से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।